उत्तराखंड में शराब अब करीब 8% महंगी हो जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति में सरकार ने शराब पर 2% सेस लगाया है, जिसमें से 1% रोड सेफ्टी और 1% सामाजिक सुरक्षा में खर्च किया जाएगा। नई शराब नीति में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। राज्य कैबिनेट ने 15% एक्साइज ड्यूटी तय की है और साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को छोड़कर पहाड़ी इलाकों में शराब की दुकानें दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएंगी। शराब के ठेकों के निस्तारण का जिम्मा जिलाधिकारी के पास रहेगा। नई शराब नीति में शराब से वसूली का लक्ष्य 2,310 करोड़ रखा गया है। नई शराब नीति में नई दुकानों की अनुमति नहीं दी गई है। इस बार जीएमवीएन और केएमवीएन को भी बार संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। वहाँ के जिलाधिकारी और जो आबकारी अधिकारी वो उस राजस्व के अनुसार दुकानों का राजस्व तय करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक तो वहाँ दुकानों की जो एक विरोध है विरोध भी नहीं होगा और जहाँ दुकान खोलनी है वो उस रूप में स्थिति में ठीक हो जाएगा। जो दुकानों का आवेदन शुल्क था उसमें हमने जो देसी मदिरा थी उसके लिए 22,000 और विदेशी मदिरा के लिए 25,000। एक हमने जो मदिरा की बिक्री होती थी उस पर कंप्यूटर से जो रसीद है वो देना अनिवार्य होगा, दुकान में स्वैप मशीन रखना भी अनिवार्य होगा, और यदि कहीं ओवर रेट पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक होगा कि उसे दुकान को निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में 12 बजे से 6 बजे तक दुकान का खुलने का समय रहेगा।